आज हम चिकन बिरयानी का रेसिपी देखेंगे। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। ये चिकन बिरयानी बनाने के लिए ऐसा बड़ी भगवाना लीजिए। भगवाना स्टोव के ऊपर रख के गरम करिए। उसमें 50 ग्राम बटर ऐड करेंगे। ऐसा बटर ऐड करिए। बटर ऐड करने के बाद और 50 ग्राम तेल भी ऐड करेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें पुलाव के सामान डालेंगे। के सामान बोले तो पत्ता, फूल, दालचीनी, लवंग, इलायची, काली मिर्च, ये पूरे आते हैं, साजीरा, ये पूरा सामान मिलते हैं। पुलाव के सामान बोल के अलग से मिलते हैं। सो ये पुलाव के सामान डालने के बाद आप बारीक कटे से एक प्याज ले लेंगे और 6 हरी मिर्च ऐसा काट के इसमें डालेंगे। वो फ्राई होने तक चिकन को ऐसा मैरिनेट करेंगे। ये चिकन बिरयानी है ना, इसके लिए आधा किलो चिकन लिए हैं। उसमें अदरक लहसुन की ऐसा पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। 1 आधी कप दही डालेंगे। थोड़ा नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी और थोड़ा चिकन मसाला ऐसा डाल के हाथ से ऐसा अच्छे से मिलाइए। पूरा पीसेस को ये मसाला पूरा पीसेस को लगे जैसा पूरा अच्छे से मिलाइए। मिला के इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। रेगुलर टाइम ज़्यादा है तो नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं। अभी टाइम कम है बोल के मैं डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब देखिए ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गई। 1 टमाटो का पीसेस डालेंगे ऐसा। उसके बाद में पुदीना डालेंगे, 1 बड़ी कट्टा पुदीना ले लेंगे ऐसा। पुदीना का लीव्स डालेंगे। आप अच्छे से मिला के अच्छे से फ्राई करिए। ये पुदीना फ्राई होने तक फ्राई करिए। ये पुदीना फ्राई हो गई ना, अभी मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखे इसको चिकन ले लेके इसमें डालेंगे। चिकन डाल के अच्छे से मिलाइए ऐसा। मिला के पकाइए। अब पहले हम इलायची नहीं डालें। पहले जब पुलाव इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, जब भी इलायची डाल सकते हैं ना। अब ऐड कर रही हूँ इलायची, 3 इलायची ऐसा डाल के थोड़ा फ्राई होने दीजिए। अब देखिए ये बासमती राइस है। 3 पाव किलो चावल लेके ऐसा अच्छे से धो के ऐसा पानी डाल के पकाइए। जनरल चावल कुक कर रहे तो आप 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी डाल के पकाना है। अगर अभी ये बिरयानी के लिए है ना, इसको बाद में दम रखेंगे। ऐसा बिरयानी बनाने के लिए ऐसा 1 गिलास चावल को 1.5 गिलास पानी डालना है इसमें। अब पानी डालने के बाद इसमें 2 पुलाव इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बाद में थोड़ा नमक डालेंगे। ये चिकन के मिक्सर को 1 बार हिला के लो फ्लेम पे ढक्कन रख के लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाइए। और ये 200 चावल में 1 चम्मच घी डालेंगे ऐसा। आप ये चावल को और 1 स्टोव के ऊपर रख के पकाएंगे। इधर 1 स्टोव के ऊपर चिकन दम हो रही है, चिकन पक रही है लो फ्लेम पे, और 1 स्टोव के ऊपर ऐसा चावल पक रही है। अब देखिए ये चावल 3/4% कुक हो गए। ये चावल को चिकन के मिक्सर में डालेंगे ऐसा। ऐसा चिकन के मिक्सर में डाल के ऐसा स्प्रेड करके ढक्कन रख के पकाइए। ढक्कन रख के लो फ्लेम पे रख के 15 मिनट्स पकाएंगे इसको। होना है तो आप मैदा या गेहूँ के आटा से ये ढक्कन के प्रेशर बाहर नहीं निकले जैसे कवर कर सकते हैं। मगर इधर हम लोग कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली दम को रखे हैं। अब 15 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारा बिरयानी रेडी हो गई।
ऐसा ढक्कन निकाल के अच्छे से मिक्स करिए। पूरा चिकन बॉटम, पूरा चावल ऊपर है और चिकन नीचे को है ना, ऐसा अच्छे से मिलाइए। चिकन और चावल मिले जैसा अच्छे से ऐसा मिलाइए। अब हमारा चिकन बिरयानी रेडी हो गई है। इसको अब एक प्लेट में सर्व करेंगे ऐसा। आप भी आपके घर में ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी ये बिरयानी रेसिपी है, चिकन बिरयानी। आप भी आपके घर में ट्राई करिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।